शिवपुरी शहर के मुस्लिम समाज के लोग आज एकत्रित होकर कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालियर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर एक व्यक्ति द्वारा अभद्र टिप्पणी कर दी गई है, जिससे मुस्लिम समाज में काफी आक्रोश है, जिस पर कार्यवाही के लिए उन्होंने आज शिवपुरी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंप कर उस युवक पर कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। हम आपको बता दें कि 16 सितंबर को इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन संपूर्ण भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया गया था तथा लोगों ने अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया पर भी किया था, लेकिन एक इंस्टाग्राम आईडी सोनू पाल 3678 से कट्टर सोनू सनातनी हिंदू सेवा समिति ग्वालियर के नाम से इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर उपयोग करता है, उसके द्वारा दिनांक 16 सितंबर को अपनी आईडी से पैगंबर मोहम्मद साहब के सम्मान में आपत्तिजनक कमेंट किया गया, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी है, जिसको लेकर आज शिवपुरी में मुस्लिम समाज द्वारा उक्त युवक पर कार्यवाही की मांग की है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। उस पर एक कमेंट्स किया, उनको मैंने कमेंट्स लिखा है, क्योंकि वो ऐसा भद्दा कमेंट थे कि मैं अपनी जवान से उसको कहना नहीं चाहता। तो हम समस्त मुस्लिम समाज उस ये मसला ये है कि जैसा कि सभी को पता है, 16 तारीख को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का जन्मदिन मनाया गया। उस सिलसिले में ग्वालियर के एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम आईडी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में ये मुस्लिम समाज ने आज ज्ञापन दिया है। कहाँ पे था? ग्वालियर में। ग्वालियर का मामला है, सोनू पाल नाम के व्यक्ति ने। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हो और उसको गिरफ्तार किया जाए और उसे दंडित किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।